नवरात्रि के पहले दिन पूर्वी भारत के पहले एवं एकमात्र राष्ट्रीय हिंदी चैनल ताजा टीवी ने महानगर के सांस्कृतिक जगत में नई हलचल पैदा करते हुए बड़ी धूमधाम के साथ नेताजी इंडोर स्टेडियम में ताजा डांडिया का शुभारंभ किया। डांडिया का उद्घाटन पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। बतौर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहली बार हिंदी भाषियों के लिए अनुष्ठान में शामिल हुई और काफी वक्त से जिस डांडिया उत्सव का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उसकी शुरुआत भी की। बंगाल का नेतृत्व करने वाली दीदी 108 महिलाओं द्वारा की गई महाआरती का भी नेतृत्व करती नजर आई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में युवा उद्यमी गोपाल नरेडी ने भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। इस मस्ती भरे माहौल में लोगों ने आधुनिक और लोक धुनों का जमकर लुत्फ उठाया। वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सबसे काबिल नेत्री ममता दीदी के आरती की थाली उठाते ही पूरा वातावरण मानव भक्ति के सागर में डूब गया हो, क्या आम और क्या खास, सभी आरती में लीन हो गए। हम लोग जो देश का जो भी प्रांत में रहते हैं, हम लोग एक आदमी और एक आदमी का साथ, हर परंपरा, हर राज का साथ, हर धर्म का साथ, हर आदमी का साथ, हम लोग एक साथ में जिंदगी निभाते हैं। इसी के लिए कि जिंदगी में कामयाबी करने के लिए एक सबसे बड़ा परंपरा हमारा हिंदुस्तान के लिए है। और कलकत्ता में हम लोग जो रहते हैं, चाहे कलकत्ता हो, चाहे बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, हर जगह पे अभी ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है कि एक आदमी का साथ और एक आदमी का कोई झगड़ा है। परिस्थिति ये है कि हम लोग हर आदमी का साथ एक साथ में काम करते हैं। एक हॉस्पिटल में आग जला, इमामी का आपको पता है, इसमें घबराने का कोई बात नहीं है। तो इसको बात क्या किया, कोई कोई आदमी इसको बंगाली मारवाड़ी करने का कोशिश किया। आई हेट दैट पीपल, आई हेट दिस टाइप ऑफ पीपल। हम इसको कंडेम करते हैं। कम्युनिटी का बारे में आप क्यों सोच रहा है? ये तो कोई कोई आदमी आपको रुपया पे बिजनेस करते हैं, वो आपको घबराता है। इसको बारे में आप दोबारा सोचिए। मेरे को पता है कौन करता है, किसी के लिए करता है, लेकिन हमारा साथ कुछ नहीं है। हम अगर कानून का माफी काम नहीं करेंगे तो वही मीडिया दो दिन बाद चैनल लगा के बोलेगा, देखो ये लोग ऐसा ऐसे किया है, ये गवर्नमेंट उसको खिलाफ में कार्रवाई नहीं किया है। ये क्या करते हैं, दो तरह चलते हैं, कभी लगाता है और कभी आग जलाता है। लेकिन मैं लगाने भी नहीं चाहूंगा और आग जलाने भी नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगी कि आप लोग अच्छा से अच्छा रहे, आपका परिवार परिजन अच्छा से रहे, आप अच्छा से काम कीजिए। मेरे को पता है बहुत सारे स्कैम हमारा पहले गवर्नमेंट का है। ऐसे स्कैम मेरे को हाथ में आया, ये रिपोर्ट मैंने CID से इन्वेस्टिगेट किया। ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन आया कि अगर मैं खिलाफ में करती तो अभी मेरे को 50 आदमी को अरेस्ट करना पड़ता, जो बिग बिग इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो गवर्नमेंट का सेक्रेटरिएट का भी है और पॉलिटिशियन भी है। लेकिन आज तक मैंने किसी इसी के लिए नहीं किया कि मेरे को सोचने का पहले मेरे को बात करना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू टॉक टू देम जी, अगर आओ कुछ कैसे हम इसको निभा सकते हैं। इट इज नॉट माई फॉल्ट, इट इज द अर्लियर फॉल्ट। और इसका गवाह नेताजी इंडोर स्टेडियम भी बन गया। बने भी क्यों ना, डांडिया और डीजे की ताजगी भला युवाओं से लेकर बुजुर्गों को और कहां मिलती है। समा को और भी रंगीन बनाने के लिए कयूर नयन मेहता की लोकप्रिय जोड़ी के साथ साथ डीजे आकाश के संगीत पर लोगों ने आनंद उठाया और नवरात्रि के पहले ही दिन खुशियों के रंग में रंग गए।